एक आदिम छी वो खासिक मरीज छी, वो बहुत चटोरी छी, वो कहे चटपट मिर्च मसाल वाल तीख खाणु खाण बहुत भल लग छी। वो अपने इलाज तो करू छी परंतु वो कहे कोई डॉक्टर रख दवाई के असर नहीं हो छी, वे खास ठीक नहीं हो छी। एक बखत वे एक नई डॉक्टर अखबार में सुनो कि वो बहुत भल छू, भल इलाज करू और भल दवाई ले दियो। तो वो डॉक्टर पास गो, वील डॉक्टर का अपन समस्या बताए और वील ये लगा कि मेरे बती परहेज तो नहीं हो सकल, परंतु तुम जो ला दवाई में कहते ला मैं उका टाइम टाइम पर खून। वो डॉक्टर बहुत हंसी मजाक वाल छी, वील को तुम्हार जो ला मर्जी छू, तुम उका खाओ और मेरे दवाई के आजमाओ, यह दवाई तुम उके तीन फैद जरूर होल। वो चटोरी मैसल पूछो कि तीन फैद के होल। डॉक्टर को पहली तो तुम्हारे घर में कभले चोर नहीं आल, दूसर तुमके कुकुर नी बुकाल और तीसर तुम बुढ़ नी वाला, परंतु तुम्हारे खास ठीक होल यह गारंटी मैं नहीं दे सकन। अब उमेश डॉक्टर अग बताई दवाई के टाइम टाइम पर लेने लागो, परंतु कह के लफायद नहीं होल, वे खास जस का तस रह और खास वीक ठीक नहीं है। अपन जीवन पर काबू नहीं होने कारण वो चटर बटर खाने में रुचि। एक दिन वो डॉक्टर के पास गो और वील डॉक्टर थे कहो कि दवाई खापे तो मेरे खांसी ठीक नहीं होनाई, परंतु तुम क्या यह बताओ कि जो तुम उन दवाई तीन फैद कतर आछी वो कसिक मिलाल। तो डॉक्टर जवाब दे कि तुम खान में परहेज नहीं करला तो तुम्हारी खांसी बढ़ने रोल और तुमके खासन खासन रात भर नींद नहीं आल और रात भर तुमके उड़ते रूल पड़ल, तो तुम्हारे घर में चोर नहीं आल, बीमारी तुम कमजोर हो जाला और तुम्हारी कमर टेढ़ हो जाल और तुमके लट्ठी लिबेर हिटन पड़ल और तुम्हारे हाथ में लट्ठी देख बेर कुकुर लटरल और तुमके कुकुर नहीं बुकाल और तीसर बीमारी कारण तुमके अपुन जवानी में बेमौत मरण पड़ल, तो बुढ़ होने हबेर पहलिए तुम यह संसार बटी लह जाला, मतलब कि मर जाला। चटपट खाने का आदतल और अपन जीवन पर काबू नहीं होने कारण कदुक नुकसान हो यह सोच बेर वो मैस घबरेगो। वील अपन आदत के सुधार ले और वो बिन दवाई खाइए ठीक हगो। धन्यवाद।